नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बायसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल जो मैंने फाइल शेयर किया था और आप लोग को उस जो फाइल के थ्रू में मैंने व्यू दिया था, तो उसको मैंने आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ, बाइसेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेटजी, फिबोनाची लेवल्स, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, जो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में कल जो मैंने फाइल शेयर किया था, इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारा जो स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, फिबोनाची स्ट्रैटेजीज, मोस्ट ये कैसे यूज़ किया जा सकता है मोस्ट इफेक्टिवली, वो सब स्ट्रैटेजीज आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर आप लोग को ये फाइल कैसे स्किम करना है, क्या क्या है, ये आप लोग को मिल जाएगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तब क्योंकि अभी मैंने बोलूँगा तो ये इसमें देर हो जाएगा और आप लोग को ठीक से नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसमें मैंने देखिए ये फाइल डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जो आज का जो परफॉर्मेंस है ये आप लोग चेक कर सकते हैं, कल का हाई लो उसका बेसिस के ऊपर ये फाइल बनाया हुआ है, इसका बाय सेल लेवल। तो देखिए, मैंने कुछ भी स्टॉक्स मैंने चुन लेता हूँ। सोच लीजिए, मैंने ACC को चुन लिया, ACC को जो मैंने चुन लिया, इसका 1500 1512 बाई का लेवल था और सेल का लेवल था 1504। तो देखते हैं चार्ट पे, देख लेते हैं। चार्ट पे देख लेते हैं, 1517 इसका हाई हो गया था और 1495 लो गया था। तो मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ था देखना पड़ेगा। मार्केट खुलने के बाद ये 1517 से 1510 चला गया था। उसके बाद उस टाइम हम लोग बाई का लेवल नहीं मिलता था हम लोग को। उसके बाद ये 1507 में लो आया था, उसके बाद फिर ऊपर गया था 1214 के ऊपर। थोड़ा सा आप लोग 20 रुपये ले भी सकते थे, उधर 1516 तक ये हाई गया था। उसके बाद ये जो 1504 के नीचे आया था, तो इधर 1400 1500 मिलता था। उसके बाद ये 1497 तक आ गया था। तो उसके बाद फिर और कुछ भी देख लेता है, सोच लीजिए कुछ भी देख लेता है। इधर हीरो मोटो को देख लेते हैं, यह 2453 इसका 22453 इसका बाई लेवल था और 2440 सेल लेवल था। तो देखते हैं, हीरो मोटो को देखिए, इधर बाई का लेवल 2459 बाई हाई हो गया था, 2410 लो गया था, इसका बाई लेवल था 2453। तो इधर 2453 कब गया था, 2453 ये खुलते ही चला गया था 2450 के ऊपर। उसके बाद सेल का लेवल ही था, हम लोग को एंट्री लेना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि खुलने के बाद ये आप लोग को लेवल मिस हो जाएगा, इसका पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग को सेल लेवल मिलता था 2440 के नीचे। देखिए, सेल का लेवल जब मिला था तो ये 2413 तक तो पहले आया था, तो एट स्टेज आया था। उसके बाद फिर 2410 तक गया था। तो मैंने देखिए बाई सेल लेवल दो दिखा दिया। उसके बाद मैंने 100 डे EMA का 100 डे MA का काट कैसे काम किया वो आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, इधर
बीपीसीएल सोच लीजिए, देख लेते हैं बीपीसीएल कैसे काम कर रहा है। बीपीसीएल बीपीसीएल को देखते हैं इधर वन डे चार्ट में, डेली चार्ट में इसका देखिए, ये 100 डे EMA काट किया था, 100 डे EMA आप लोग को दिखाई नहीं देगा शायद इधर, नहीं 100 डे EMA आप लोग को इधर दिखाई नहीं देगा। तो ये 100 डे EMA का काल का कैंडल को काट किया था, उसके बाद इसका लो तो ब्रेक नहीं कर पाया, हाई का जब ब्रेक हुआ था 466.70 तक गया था। उसके बाद फिर कुछ भी देख लेते हैं, CSE को देख लेते हैं, CSE के सी को देख लेते हैं, CSE को देखना पड़ेगा 783 में इसको 100 डे इसका जो हाई ब्रेक किया था ये 80 इधर डे में आप लोग को वन डे का जो चाहो तो SEC हो गया। उसके बाद बाटा इंडिया को एक बार देख लेते हैं, बाटा इंडिया इन सब दबात वन डे का बेसिस पे बाटा इंडिया वन डे का, तो इसका हाई लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, इसका लेवल आया नहीं था। तो इसका जो ये करंट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल, ये तो आज का कैंडल है, ये कल का कैंडल मतलब फ्राइडे का कैंडल था और वन डे का इनसाइड द मोर मतलब ये इस कैंडल का हाई लो ब्रेक करना पड़ता था, लेकिन इस कैंडल का हाई ये जो 1804 क्रॉस किया है, बस ऐसा कुछ खास कुछ नहीं मिला है। और सोच लीजिए 16 पिन को देख लेता है एक बार, 16 पिन देख लेते हैं, 16 पिन इधर इस कैंडल NR4 NR7 था। तो इस कैंडल का जब लास्ट कैंडल का जब करंट कैंडल देखना पड़ता है NR4 NR7 का केस में, और वन डे का केस में अगला दिन का कैंडल ब्रेक करना पड़ेगा, टू डे का इन सेंट आवर में टू डेज का कैंडल ब्रेक करना पड़ता है। तो देखिए इधर जो लास्ट कैंडल ब्रेक हुआ था उसके बाद 323 से 318 तक आ गया था। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा आज और भी कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखते हैं। सोच लीजिए एस्कॉर्ट्स को देखेंगे, हायर हाई हायर लो था, ये देखिए अगला तीन, ये तो आज का कैंडल हुआ, ये अगला 3 डेज हायर हाई हायर लो जाए। उसके बाद ये जब फिर से आज हाई तोड़ा तो ये 708 से ये 716 तक गया था। उसके बाद कुछ भी स्ट्रेटेजी आप लोग देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोग का सोच लीजिए। ये 50-50 गेल को देख लेते हैं, देखिए अगला दिन का ये जब हाई ब्रेक हुआ है 127 से ये 129 तक गया है। और आप लोग को जो मेरा जो स्ट्रेटेजी बताया मोस्ट इफेक्टिवली कैसे काम किया जा सकता है, इसका आप लोग 7 डेज 5 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज का हिसाब से और भी आप 15 डेज 30 डेज का और 15-30 1 ईयर का हिसाब से ये जो फिबोनाची का लेवल है पिवट पॉइंट है इसका आप लोग स्क्रीनिंग कर लीजिए। उसके बाद जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसको जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जो रूल्स है वो तो आप लोग कर सकते ही है, लेकिन उसका हिसाब से आप लोग ये फिबोनाची स्ट्रेटेजी 7 दिन से 1 दिन तक तो हाई देखेंगे लो देखेंगे, 7 डेज का हाई देखेंगे लो देखेंगे, मतलब हाई लो मतलब बाई एंट्री लेवल सेल एंट्री लेवल, 5 डेज का बाई एंट्री लेवल सेल एंट्री लेवल देखना पड़ेगा, 3 डेज का बाई एंट्री लेवल सेल एंट्री लेवल देखना होगा, 2 डेज का बाई एंट्री, और जो सबसे आगे आएगा कोई भी